तो दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.90% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको स्टॉक का ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो लास्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पर 753 के लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया था लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 776 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 800 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 850 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 900 और 951,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 753 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 721 और 691 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।